टॉफिल परीक्षा। आप परीक्षा के लिए 3 की जगह 2 घंटे ही मिलेंगे। रीडिंग सेक्शन भी हुआ छोटा। जारी हुए बदलाव की जानकारी 26 जुलाई से शुरू होंगे स्लॉट्स। द एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज ETS ने विदेश में पढ़ाई के लिए जरूरी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज में इस साल किए गए बदलाव की जानकारी साझा की है। ETS ने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दी है। परीक्षा 26 जुलाई से शुरू होगी। जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्हें अक्सर अवसर दिया गया है कि वे 30 अप्रैल तक अपनी परीक्षा के शेड्यूल को रिवाइज कर सकते हैं। उधर जुलाई में होने वाली यह परीक्षा अब 3 की जगह 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। इंटरनेट बेस्ड टेस्ट का परिणाम एग्जाम के तुरंत बाद ही जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए इस साल के लिए रीडिंग सेक्शन को छोटा कर दिया गया है। जिन सवालों को छात्र हल नहीं कर पाएंगे उन्हें हटा लिया जाएगा। जल्द ही उम्मीदवारों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कस्टमर सर्विस सेंटर का भी सुविधा दी गई है। यह कस्टमर सर्विस सेंटर हर दिन 12 घंटे चालू रहेगा। कैंडिडेट्स की सहूलियत को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। अपने देश की करेंसी में भी होगा रजिस्ट्रेशन। 4 सेक्शंस में आयोजित की जाएगी परीक्षा। यह परीक्षा 4 सेक्शन में आयोजित की जाएगी। इसमें बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना शामिल होंगे। कंप्यूटर बेस्ड इस एग्जाम की स्कोर रेंज 0 से 120 होती है। करीब 78 अंक उम्मीदवार को हासिल करने होते हैं। इन देशों की यूनिवर्सिटी में मिलता है एडमिशन। ETS इस परीक्षा का आयोजन करता है। इसके स्कोर पर मुख्य रूप से USA, कनाडा और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में दाखिले की पात्रता हासिल होती है। अधिकांश छात्र पढ़ाई के लिए USA और कनाडा ही जाने की इच्छा रखते हैं।